हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर्स चैनल को। तो आइए आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज का प्लान 18x50 फिट का है और 900 स्क्वायर फिट का ये एरिया है। अगर इसकी गज में बात करें तो 100 गज का ये प्लॉट है और इसकी कॉस्टिंग आपको 22 से 23 लाख रुपए तक की आ सकती है। और दोस्तों, अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अभी हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको यहीं मिलेंगे। तो वीडियो की ओर आगे बढ़ते हुए आप सामने देख सकते हैं, आपको बाउंड्री वॉल का अच्छा एक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। आप इसका एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। और दोस्तों, इससे आगे हम ग्राउंड फ्लोर में एंटर करने से पहले हम इसका एक बार 2D लेआउट देखेंगे, ताकि आपको वीडियो समझने में थोड़ी आसानी रहे। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद हम हाउस में एंट्री लेंगे। हाफ हाउस का एलिवेशन देख सकते हैं और एंट्री लेते ही सामने आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाता है। आप इस पार्किंग एरिया में एक कार और एक बाइक आराम से खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हुए अभी हमने एंट्री ले ली है हमारे हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको देखने में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और इसके बाद आप इसका बैक वॉल डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर हम इसका ओवरऑल बात करें तो आपको एक अच्छा लुक देखने को मिल जाता है लिविंग एरिया का, और आपको एक अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट। आप देख सकते हैं, आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है यहाँ पर भी, और एक अच्छा अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के किचन एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी एक अच्छा किचन मिल जाता है, अच्छे साइज़ का किचन मिल जाता है, और आपको अच्छे ऊपर कैबिनेट देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूँ तो आपको एक अच्छा और एक मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इससे आगे बढ़े तो हाउस के बैक साइड में आपको वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे वॉशिंग एरिया के साइड में आपको ओपन स्पेस देखने को मिल जाएगा, और आप इस ओपन स्पेस में अपना वाटर टैंक भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ईशान कोण है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं, आपको ओवरऑल इसका भी लुक आपको देखने में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आप इसके सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, आप इसका बैक वॉल डिज़ाइन भी देख लीजिए। और सामने की तरफ आपको एक TV पैनल भी मिल जाता है, और आपको बड़ी वार्डरोब भी देखने को मिल जाएंगी।
इसके बाद अभी हम चलेंगे हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ। आप स्टेयर देख सकते हैं, स्टेयर को हमने अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है। इसके बाद अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने से पहले आप फर्स्ट फ्लोर का एक बार 2D लेआउट देख लीजिए ताकि आपको वीडियो समझने में थोड़ी आसानी रहे। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर आते ही आपको पैसेज के लिए थोड़ा ओपन स्पेस मिल जाता है, आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ। आप इस बेडरूम को मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस रूम में आपको बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा, और आप एक साइड में अपना सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। आपको अच्छे वार्डरोब भी देखने को मिल जाएंगे, और इसी रूम के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाएगा, और आप इस टॉयलेट को कॉमन यूज़ में भी ले सकते हैं, इसीलिए हमने इसका एक डोर बाहर की तरफ रखा है। तो अभी बारी आती है हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम की, और सामने आप देख सकते हैं आपको वही सेम टॉयलेट का एक गेट इस तरफ देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हम एंटर करते हैं हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम में। आप ऊपर इसके सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं, आप इसका बैकबॉल डिज़ाइन देख सकते हैं, और जो इसका बैकबॉल का डिज़ाइन है इस पर हमने काफ़ी हैवी वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है, और इसमें आपको अच्छा खासा वार्डरोब देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ टीवी यूनिट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको इसी रूम के साथ अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी, और आपको बालकनी में अच्छा स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद अभी हम स्टेयर से होते हुए हमारे सेकंड फ्लोर यानी हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ चलेंगे। तो इसके बाद अभी हम आ चुके हैं हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ओपन स्पेस में आपको ग्रीन एरिया देखने को मिल जाएगा, आपको अच्छा सिटिंग का अरेंजमेंट भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ स्विमिंग पूल भी दे सकते हैं, हालांकि हमने वीडियो में नहीं दिया है। तो आप फ्रंट में भी देख सकते हैं, आपको अच्छी बालकनी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ अभी हम हमारी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको यहीं मिलेंगे। हाँ, तो दोस्तों, इसी के साथ आपको इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको अच्छे एलिवेशन और आपको हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले मिलती रहेंगी। नमस्कार।